गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे? अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी। अभी सुबह में 6 बजे का टाइम है और तो मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। तो यहाँ मेरी चाय बन के तैयार हो चुकी है और मैं यहाँ पे सबके लिए अपनी चाय डाल रही हूँ। हम ग्लासी में ही चाय पीते हैं, कप में बहुत कम पीते हैं। हम ग्लासी में पीते हैं क्योंकि सर्दियों में वैसे भी गर्म रहती है चाय, तो मैं इसलिए ग्लास में ही पीती हूँ चाय को। छोटे में पीते हैं, कोई बड़े में? मैं थोड़े से बड़े ग्लास में चाय पीती हूँ। तो हमने मुस्कान, मैं, मेरी और इनके लिए, हमने तीनों के लिए चाय डाल ली है। इस टाइम वैसे हम कम पीते हैं तो आज मैंने बना ली थी सर्दी में चाय। तो गाइस, यहाँ आ गई मैं पास्ता बनाने के लिए। यहाँ मैं पास्ता बनाऊंगी, तो ये पास्ता बन गया। और यहाँ पे मैं पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है यहाँ पे, तो ये पानी भी गर्म हो गया है यहाँ पे। हाँ, कुछ हो गया है पानी गर्म, तो ये पानी गर्म हो चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी। आधी बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बनाऊंगी। और इसमें डाल दूंगी नमक, ऐड कर दूंगी इसमें नमक। इसमें मैं थोड़ा सा ना तेल ऐड कर दूंगी जिससे ये आपस में चिपटे ना। इसको ढक के रख दूंगी, ये उबल जाएगा थोड़ी देर में। तो गाइज, यहाँ मैंने पास्ते के लिए यहाँ पे तेल चढ़ा दिया है। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और मैंने इसमें जीरा डाल दिया और टमाटर भी डाल दिया है। तो और इसको मैं अच्छे से सोते कर लूँगी। और इसमें मसाले ऐड कर दूँगी, कुछ लाल मिर्च ऐड करी है मैंने और हल्दी पाउडर ऐड करा है इसमें, और जो छोटा और गर्म मसाला भी ऐड साथ के साथ मैंने ऐड कर दिया था इसी इसी के साथ ही। और यहाँ पे मैं बना लूँगी फटाफट से। और नमक भी ऐड कर दिया और यहाँ टमाटर गल के तैयार हो गए हैं। और यहाँ मुझे ना कुछ नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसलिए इसमें और नमक डाल दिया है। तो सारे मसाले बन के तैयार हो गए। तो इसमें मैंने पास्ता भी साथ के साथ ऐड कर दिया है और यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में। और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दिया जिससे इसमें क्रीमी टेक्स्चर आए। अगर आपके पास सॉस ना हो ना तो थोड़ा दूध डाल दो तो इससे और अच्छा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना इस तरह से। और यहाँ मेरे लंच प्रिपेयर हो गया, यहाँ पे बच्चों का लंच तैयार कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं मेथी साफ़ करने के लिए लंच वगैरह देने के बाद। यहाँ पे मेरी मेथी रखी थी तो मैंने कहा सोचे चलो इस मेथी को भी साफ़ कर लेती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं मेथी साफ़ करने के लिए आ गई। एक पैकेट मैंने इसे साफ़ कर लिया था, दूसरा पैकेट मैं यहाँ साफ़ करती हूँ, आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ मैं किचन में आ गई, किचन में मेरी यहाँ चाय बन रही है। कोई गेस्ट आ गए थे तो उनके लिए साथ ही साथ मैं चाय बना रही थी और इधर मेरी सब्जी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बना रही हूँ कान्हा जी के बिस्तर बना रही हूँ। और ये जो बनाऊंगी, रजाई बनाऊंगी, चादर बनाऊंगी और तकिया बनाऊंगी। और जो हो सकेगा तो इसके छोटे छोटे से मसंद भी बना दूंगी मैं इसमें, और उनको बनाऊंगी। इसके लिए मैंने लेस ली है और इंच टेप नापने के लिए, और ये वाली इसमें लगी हुई थी, ये ली इसको कहीं यूज होगा तो कर दूंगी। और ये कटन ली है और ये कपड़ा लिया है मैंने यहाँ पे पिंक कलर के बनाऊंगी। और ये मशीन तो है ही जो काम करते। और इसको देखूंगी, फॉर्म लगा दूंगी मैं इसमें, या तो ये लगाऊंगी मैं इस, या फिर मैं इसमें फॉर्म लगा दूंगी। दोनों में से कोई चीज़ एक लगा दूंगी जिससे अच्छे, मतलब गर्म रहे, क्योंकि जैसे हमें ठंड लगती है उनको भी लगती है। तो आज मैं कान्हा जी के बिस्तर बना दी। कपड़े के मैंने 2 पीस कर दिए, जितना भाग मुझे चाहिएगा उतना भाग मैं यूज कर लूंगी, जितना नहीं चाहिए उसको अलग से रख दूंगी। तो मैं इसको रख देती हूँ। इधर से मैंने 11 इंची ले लिया, इधर से 11 इंची ले लिए, दोनों को मिला दिया है और बीच में से मैं इनको कट कर लूंगी। जितनी आपको लंबाई चाहिए ना उसके हिसाब से आप ले सकते हो। तो मुझे रजाई बना, हाँ गाइज, मैं यहाँ रजाई बना रही हूँ। रजाई की लंबाई मैंने 11 इंची ली है और चौड़ाई उसके इस कपड़े के हिसाब से ले ली, क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए भगवान जी को उड़ाने के लिए, तो मैं इतनी ली। लेस लगाऊंगी इसमें, तो सॉरी लेस नहीं, फ्री लगाऊंगी। तो मैं इसके लिए लेस काटी है मैंने यहाँ पे, ये नेट है, लेस नहीं नेट है, दो पट्टी का। तो गाइस जी, मैं फ्रिल के लिए तैयार कर रही हूँ। दोनों पट्टी को मैंने एक साथ जोड़ दिया है यहाँ पे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक साइड लेस लगा दिया और यहाँ पे मैं दूसरी साइड, मैं आपको दिखा रही थी, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत आसानी से लग जाती है ये लेस। देखिए आप लोग, मैं किस तरह से लगा रही हूँ यहाँ पे, बस छोटी छोटी प्लेटेज डालती जा रही हूँ मैं उस कपड़े को उठाकर।
छोटी छोटी प्लेट डाल दूंगी और ये सारी प्लेट्स मैं इस तरह से डालती जाऊंगी। देखिए आप लोग देखिए, और ये मैं यहाँ पे पूरी इस तरह से पूरी झल्लर बना दूंगी मैं से, फिर बन के तैयार हो जाएगी और एक सुंदर से ना रजाई का कवर बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि आपको पता ही, मैं कान्हा जी के लिए बना रही थी तो मैं आप लोग शेयर कर रही थी, तो आप लोग खुद देखने देखे कितनी अच्छी लग रही है। देखो चारों तरफ मैंने लगा दी इसको लेस को। तो गाइस फ्रिल लगाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कपड़ा लगाने के लिए, इसमें दूसरी तरफ कपड़ा लगाने के लिए। तो फ्रिल को मैंने नीचे की साइड कर लिया है और दूसरा कपड़ा मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जिसे एक कवर बनके तैयार हो जाएगा। और इसको मैंने एक साइड लगा ली है सिलाई, तो दूसरी तरफ भी मैं इस तरह से सिलाई लगाऊँ और चार तरफ, और ये देखिए लगा के तैयार कर दिया। ये मैं अब इसमें कॉटन भर दूँगी मैं इसमें, पहले तो मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी जिससे कि ये कपड़ा ना उठा हुआ ना रहे और एक अच्छे से कवर बनके तैयार हो जाए। और मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है, जैसे कि कोने ना बिल्कुल भी उठे उठे नहीं रहेंगे, एकदम अच्छे से बैठ जाएंगे कोने बीच में से। तो यहाँ पे आ गई मैं कॉटन भरने के लिए, तो यहाँ मैंने कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे तो इसमें भर लिया। और यहाँ पे मैंने ये मेरी ना पहले मैंने कान्हा जी के लिए रजाई बना रखी थी, तो उसकी भी कॉटन मैंने इसमें निकाल के इसमें डाल दिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे। अब यहाँ पे मैंने दूसरा बंडल खोल लिया था, तो इसको भी मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके इसको भर दूंगी अच्छे से, और एक अच्छी सी रजाई बन के तैयार होगी। और यहाँ पर एक अच्छी सी रजाई बन के तैयार होगी। और मैंने इसके मुँह को भी इसी मशीन से सील दिया था जिससे कि ये खुले ना और अच्छे से बन के आ जाए। अब मैं यहाँ पे इसके डेकोरेशन करने के लिए आ गई हूँ। मैंने बीच में मिरर लगा दिया और इसके चारों तरफ इसे बीट्स लगा दिए, बीट्स लगा दिया और इसके चारों तरफ फिर मैंने चौकोर मिरर लगा दिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे से मोती लगा दिए मैंने सिल्वर कलर के, इस तरह से मैं सारे उसमें कर दूँगी, सारे उसमें रजाई के में लगा दूँगी जो छोटे छोटे से मोती हैं। ये देखिए इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। आप लोग बताना कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है ये। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ इनकी चादर बनाने के लिए। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे दो कपड़े लिए हैं और इनको मैं कर दूंगी ज्वाइंट, तो आपस में मैंने इनको ज्वाइंट कर दिया है। दो कपड़े इसलिए ले रहे थे क्योंकि ये थोड़ा पतला था, तो मैंने दो लिया। आप सिंगल भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि दो ही लेने हैं। तो मैंने इनके दो कपड़े लेके इसको चारों तरफ से इसको ऐड कर दिया, चारों तरफ से सील दिया, और इसको भी ऊपर से भी मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी यहाँ पे। और चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद इसमें और अच्छे जो मुझे इसको सीधा कर दिया मैंने इसको एकदम से, देखिए एकदम ना डबल होगी और ये अच्छी सी चादर बन के तैयार हो जाएगी। आप लोग सोचेंगे ऐसे क्यों कर रही है, मैंने आपको बताया था। और इसके मैंने कॉर्नर निकाल दिया और इसके चारों तरफ मैं सिलाई लगा दूंगी जिससे ये भी अच्छे से बैठ जाएगी सिलाई, इसीलिए मैंने इसको इस पर भी चारों तरफ से मैंने इसको सिलाई लगा दिया। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ लेस लगाने के लिए, तो मैंने इसकी लेस लगा दी है। एक साइड मैंने लेस लगा दी थी, फिर मैं आपको कोई आ गया था इसलिए इसको शेयर नहीं कर पाई इधर से, तो मैं यहाँ पे दूसरी साइड लेस लगा दी। और इस तरह मैंने इसमें चारों तरफ इस तरह लेस लगा दी है। और फिर यहाँ पे आगे मैं बीट्स लगाने के लिए, और यहाँ आगे फिर बच्चे पार्टी कर रहे हैं तो अपने फन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आए इनके लिए लच्छे, तो रबड़ी लच्छे आए। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए सर्दी के मौसम में ठंडे ठंडे। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में डिनर बनाने के लिए। यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ शाही पनीर की, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया था, टमाटर है इसमें और जो खड़े मसाला वगैरह सारे पीस लिए मैंने, और इसमें मैंने काजू और मलाई वगैरह सब एक साथ डाल के पीस लिया था। और यहाँ पे मैंने उधर पानी तेल चढ़ा दिया था, यहाँ मसाला तैयार कर रही हूँ। मैंने हल्दी ले लिया, नमक लाल मिर्च ले लिया, धनिया पाउडर और गरम मसाला लेकर इसको मसाले को पानी में ऐड कर दिया है, घोल दिया है इसको मैंने यहाँ पे। तो यहाँ मेरा जीरा तेल तैयार हो चुका है यहाँ पे, और इसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया और इसमें मसाला भी साथ ही साथ ऐड कर दिया, और इसको सीखने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया। और अब मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है यहाँ पे, तो दही और इसको मैं साथ ही साथ चलाती जा रही हूँ कि फटे ना। और इसमें साथ ही साथ मैंने इसमें मलाई भी ऐड कर दी है और यहाँ पे, और इसको अच्छे से चला लूँगी यहाँ पे मैं इसे। और इसके साथ मैंने इसको पेस्ट को भी इसमें ऐड कर दिया है, और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसको डालते ही, बहुत अच्छे एकदम से कलर आ गया, देखिए एकदम काफ़ी अच्छा कलर आया है, आप लोग बताना। और इसमें मैंने ऊपर से ना थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है क्योंकि जैसे एकदम क्रीमी टेक्सचर आया इसमें। और इसमें साथ ही साथ मैंने इसमें पाव भाजी का मसाला ऐड कर दिया, आप लोग कुछ और मसाला ऐड कर सकते हो, मेरे पास पाव भाजी का मसाला था, मैंने इसका पाव भाजी का मसाला ऐड कर दिया। और इसमें साथ साथ मैंने इसमें पनीर
पनीर भी ऐड कर दिया साथ के साथ, और जो कि इवन और इसके साथ मैंने किशमिश भी ऐड कर दिया इसको, तो जो कि बहुत अच्छी और सब्ज़ी वास्तव में ना बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ पे मेरा डिनर तैयार हो गया है, आप लोग भी आइए डिनर करने के लिए। राइस बनाए हैं और सब्जी बनाई है, रोटी बनाई थी, बच्चों को रोटी नहीं खानी थी तो फिर मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आ गई हूँ मैं ठाकुर जी को इनको उड़ाने के लिए। तो मैंने कहा आज नए नए बनाए तो इनके लिए मैं नई रजाई और नई चादर बिछाऊंगी, तो मैंने इनकी इस टोकरी में इनको रजाई वो बिछा दी है। यहाँ पे चादर देखिए, यहाँ पे चारों तरफ एकदम फिट आई है बहुत अच्छे से, और यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी को यहाँ पे सुला दिए हैं यहाँ पे, और इनको साथ के साथ मैं इनको रजाई भी उड़ा दूँगी, और इनके साथ में बंसी भी रख दी है, और यही रजाई को उड़ा दिया मैंने इनको। देख अब मैं यहाँ पे आपको करती हूँ बाय बाय। अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और कॉमेंट कर देना। तो अब मैं करती हूँ यहाँ पे आपको बाय बाय।